नमस्ते दोस्त, आज हम बनाने जा रहे हैं तेलेपिया मछली का फिश करी। तो तेलेपिया मछली के लिए हमने देखी क्या क्या यहाँ पे, तेलेपिया मछली, नमक, पिसी हुई सूखी मिर्च, पिसा हुआ धनिया, काला मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच हल्दी, सरसों 4 चम्मच, टमाटर 5, 1 प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 2 सूखी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक, हरा धनिया, 6 से 7 हरी मिर्च और तेलापिया फिश। चलिए अब तेलापिया फिश को हम फ्राई करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने होने दिया है, अब हम इसमें डालेंगे तेल। अब हम इसमें डाल दिए हैं तेल। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब हम तेलापिया फिश को तलेंगे। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है दो मछली को हम नमक और हल्दी मिला लेंगे। 1 चम्मच नमक पहले दे दिया हूँ, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच हल्दी। अब हम मछली को मिलाएंगे। देखिए हमने नमक और हल्दी मिला लिया है मछली पे। अब हम तलने जा रहे हैं। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम मछली को एक तरफ होने दीजिए देंगे, उसके बाद पलटेंगे। एक तरफ मछली हो चुका है, अब हम इस मछली को पलट देंगे। एक एक करके अब देखिए हमने मछली को पलट दिया है। हमारा मछली एक तरफ फ्राई हो चुका है। अब हमारा मछली भून चुका है। ऐसे करके हम सारे मछलियों को भून लेंगे, उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। हमारा सारा फिश फ्राई हो चुका है। अब हम कढ़ाई में से तेल थोड़ी सी कम करेंगे, उसके बाद हम प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन को थोड़ी सी हल्की सी भूंज लेंगे। मैंने कढ़ाई में बिल्कुल हल्की सी तेल रखे हैं। इसमें हम डाल देंगे प्याज, अदरक, लहसुन और थोड़ी सी हमारा अदरक प्याज थोड़ी सी हल्का सा भुंजा हुआ होंगे, तब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। प्याज, लहसुन, अदरक हल्की सी भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। जब हमारा टमाटर भी भून जाएगा तब हम इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। टमाटर भी भून चुका है, अब हम इसको पीसेंगे सिलबट्टे में। टमाटर, अदरक, लहसुन को तब तक ठंडा होने दे रहे हैं, उसके बाद हम पीसेंगे। तब तक हम सरसों और हरी मिर्च पीस लेंगे, काली मिर्च और जीरा इसको पीस लेंगे। सरसों, काली मिर्च, हमारा किछु बोललो ना कटोरी तो बोलबे। ये हमारा पीस के तैयार हो चुके हैं। आप चाहे तो आप मिक्सी में पीस सकते हैं। अब चलिए हम फिश करी बनाने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे 4 चम्मच तेल डाल दिया है। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है।
अब हम इसमें डाल देंगे दो सूखी मिर्च, थोड़ी सी सरसों, थोड़ी सी जीरा, ये थोड़ी सी जीरा है। अब हम इसमें डाल देते हैं मसाला, अदरक और टमाटर जो पेस्ट बनाए थे वो पेस्ट। हम डाल देते हैं एक चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर एक चम्मच, आधी चम्मच सूखी हुई मिर्च पिसी हुई, दो चम्मच नमक, दो चम्मच नमक। अब हमारा मसाला भून चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे एक गिलास पानी। अब हम इस पानी को मीडियम आंच में 10 मिनट के लिए खोल ले देंगे। हमारा पानी खोले नहीं, थोड़ी सी एक दो मिनट के लिए ढक के रख देंगे। हमारा दो मिनट के बाद अब हम ढक्कन उठा के देखेंगे कि हमारा मछली में खोल आया है कि नहीं खोल आया है। देखिए हमारा मछली बन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। अब हम गैस बंद करके कढ़ाई को देखिए, हमारा तिलेपिया फिश करी बनके तैयार है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।